आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर की एक पोएम जिसका नाम द वॉइस ऑफ रेन है, वर्षा की आवाज़, जो वॉल्ट व्हिटमैन जो है कि अमेरिकन पोएट है उनके द्वारा लिखित है, इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे। इस पोएम में कवि ने पहले वर्षा से कुछ क्वेश्चन किया है और फिर वर्षा उसका उत्तर देती है और फिर कवि लास्ट में दो लाइनों में पोएम की तुलना अपने पोएम की तुलना उस वर्षा से करता है। तो पहले कवि क्वेश्चन करता है वर्षा से, एंड हु आर्ट थू सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग सावर। हु आर्ट थू, थू मतलब यू, तुम कौन हो, सेड आई मैंने कहा, टू द सॉफ्ट फॉलिंग सावर धीरे धीरे गिरने वाली वर्षा से, धीरे धीरे गिरने वाली वर्षा से मैंने कहा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर। फिर उसने स्ट्रेंज मैंने विचित तरीके से, टेल मैंने बता करके, गिव मी एन आंसर मुझे उत्तर दिया, एज हेयर ट्रांसलेटेड जिसका मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन किया है। वर्षा कहती है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं धरती की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ रेन, वर्षा की आवाज़ ने कहा। इटर्नल आई राइज इन प्लेकेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल में शाश्वत या चिर स्थायी रूप से आई राइज इम्प्लेकेबल आउट ऑफ द लैंड, मैं इस धरती से, एंड द बॉटमलेस सी और गहरे सागर से निरंतर उठती रहती हूँ जिसे कोई देख नहीं सकता है। इम्प्लेकेबल आउट मैंने जिसे महसूस किया जा सकता है, कोई देख नहीं सकता है। अपर टू हीवन, मैं आकाश की ओर उठती रहती हूँ। वेंस वेजली फ्रॉम, वेंस मैंने वेयर फ्रॉम, वेजली मैंने स्पष्ट तरीके से फॉर्म में निर्मित होती हूँ और फिर मैं स्पष्ट तरीके से बादल के रूप में निर्मित होती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज्ड, मैं पूर्णतः बदल जाती हूँ, यानी मेरे वर्षा का बूंद का आकार बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एंड येट द सेम, फिर भी मैं वर्षा ही या बूंद ही रहती हूँ। आई डिसेंड टू लिव द ड्रॉट्स एट मीच डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। आई मैंने, मैं डिसेंड मैंने नीचे उतरती हूँ या वापस आती हूँ धरती पर। टू लिव मैंने नहलाने की, द ड्रॉट्स मैंने सूखे, एट मीच मैंने छोटे छोटे कणों को, डस्ट लेयर्स मैंने धूल की परतों को, अब द ग्लोब मैंने धरती की, मैं धरती के धूल के कणों को, छोटे छोटे कणों को जो सूखे हुए हैं उनको नहलाने के लिए नीचे फिर से आती हूँ या फिर से बरसती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विथआउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। एंड ऑल दैट इन देम, अगर मैं नीचे ना आती तो ऑल दैट इन देम जो धरती में सब कुछ है, विथआउट मी मेरे बगैर, वर सीड्स ओनली वो केवल बीज ही बचे रहते, लेटेंट वो छिपे रहते, अनबॉर्न उनका कभी जन्म ना होता। यानी वर्षा ये कहती है कि मेरे बगैर धरती के पड़े हुए बीज बेकार पड़े रहते, मैं धरती के बीजों को एक नया जन्म देती हूँ। एंड फॉर एवर, मेरी ये गति यानी जो वाटर साइकिल है वो बाय डे एंड नाइट, दिन रात चलती रहती है, यानी मेरा रूप निरंतर बदलता रहता है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और जब मैं धरती पर आती हूँ तो मैं अपनी उत्पत्ति यानी जहाँ से मैं उत्पन्न हुई हूँ धरती से, फिर उसको मैं नया जीवन प्रदान करती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाइड, और इसे शुद्ध और सुंदर बनाती हूँ। लास्ट में कवि तुलना कर रहा है, कहता है फॉर सॉन्ग इज स्विंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। इसी तरह मेरे गीत जो अपने बर्थ प्लेस से उत्पन्न होते हैं, आफ्टर फुलफिल्ड वॉन्डरिंग, ये घूमते रहते हैं और इस धरती के लोगों के आनंद से पूर्ण करते हैं। रैग्ड और अनरैग्ड, चाहे उन मेरे गीतों को किसी ने सुना हो या ना सुना हो, डेली मैं आशा करता हूँ विथ लव रिटर्न्स, कि मेरे गीतों से मेरा प्रेम वापस लौटेगा। तो ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी, छोटी सी पोएम है, इसमें पर्सोनिफिकेशन का बहुत अच्छा वर्णन किया गया, क्योंकि वर्षा उत्तर दे रही है कवि को, तो वर्षा को पर्सोनिफाइड कर दिया गया है। ओके, थैंक यू।